अब जो हम पढ़ेंगे उसमें पेडेंकल क्या होता है, शॉर्ट होता है. ओके तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, दैट इज द कोरिम. ओके एक्चुअली दो तरह के ही टाइप ऐसे होते हैं रेसमोस जिसमें पेडेंकल शॉर्ट होता है, एक तो कोरिम होता है और एक क्या होता है अम्बल. इन दोनों को ही हम देखते हैं कैसे होते हैं. कोरिम इनमें क्या होता है, जो पेडेंकल है दैट इज शॉर्ट और उसके ऊपर जो पेडिसल होता है ठीक है डिफरेंट लेंथ का होता है. इसमें तो क्या होता है इट इज़ डिफरेंट लेंथ बट जो फ्लावर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं सेम हाइट पे रहते हैं. मतलब कि अगर हम सामने से देखें तो चाहे ओल्ड वाला फ्लावर हो या यंग वाला फ्लावर हो सब सेम हाइट पे होता है. लेट्स सी ये कैसे प्रेजेंट होता है. दिस इज दी वन मिनट. तो यहाँ पे देखिए पेडेंकल तो छोटा सा ही हुआ ठीक है. अब यहाँ पे अरेंज हो रहा है ये बिग वन, फिर यहाँ पे दूसरा आया ठीक है ये वन नंबर का, ये टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर. तो आप देखोगे सारे फ्लावर जो है एक सेम हाइट पर है, सेम लेवल पर है बट इनका जो पेडिसल है, इनका जो पेडिसल है देखो इनका लेंथ क्या है डिफरेंट है ठीक है. पेडिसल का लेंथ डिफरेंट है. ओके एंड द एग्जाम्पल इज वॉट कॉलीफ्लावर. क्या है इसका एग्जाम्पल कॉलीफ्लावर. ओके इसमें अगर ये पेडेंकल जो है वो ब्रांच होता है कैसे हो सकता है, इट्स लाइक दिस वन. अगर ये पेडेंकल जो है इट इज़ फर्दर ब्रांच्ड. ओके तो इसमें भी फर्दर अरेंजमेंट होगा इस तरह से. इट्स लाइक दिस वन. चलिए मैं इसका दिखाती हूँ ठीक है. तो इस तरह से पूरा इस अरेंज होगा, ब्रांच होगा. इसको हम बोलते हैं कोरिम्ब ऑफ कोरिम्स. ओके या फिर दूसरा नाम बोलते हैं कंपाउंड कोरिम्ब. अंडरस्टूड क्लियर. ओके अब हम बात करते हैं अम्बल की. अम्बल में भी यही हुआ कि जो ये पेडेंकल है वो शॉर्ट हो गया ठीक है. ये क्या है पेडेंकल शॉर्ट बट इसमें जो पेडिसल होता है, इसमें जो पेडिसल होता है वो क्या होता है सेम लेंथ का होता है और एक ही पॉइंट सेम पॉइंट से अराइज होता है ठीक है. यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे ये अराइज हो रहे हैं बट यहाँ पे क्या होगा वो सेम पॉइंट पे अराइज होगा. देखते हैं कैसे अराइज होगा. तो ये तो क्या हो गया पेडेंकल हो गया जो बहुत ही शॉर्ट है और यहाँ पे फिर ये अराइज हो रहा है एक ही पॉइंट से. इट्स लाइक दिस वन ठीक है. देख रहे हैं तो ये क्या है दिस इज़ दी अम्बल. एक अम्ब्रेला लाइक का आपको एक अपीयरेंस देता है. इट्स शोज अम्ब्रेला लाइक एक ही पॉइंट पे अराइज होता है और यहाँ पे क्या होता है स्मॉल लीफ लाइक ब्रैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनवॉल्क्रे. क्या बोलते हैं इनवॉल्क्रे. ये क्या होता है स्मॉल लीफ लाइक ब्रैक्स है जो पूरा एक रोल बनाकर यहाँ पर रखता है. ओके नाउ फर्दर अगर ये वाला ही पेडेंकल कैसा हुआ ब्रांच्ड हुआ ठीक है तो कैसे हो सकता है. ये देखिए ये पेडेंकल है ये फर्दर यहाँ पे ब्रांच्ड है ठीक है. ये सारी ब्रांचेस है और फिर इसमें भी फर्दर ये अरेंजमेंट्स अगर हम देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस. ओके और यहां पे सब जगह ही क्या होगा इनवॉल्क्रे प्रेजेंट होंगे. इट्स लाइक दिस और यहां पे भी. समझ में आ रहा है. तो ये क्या हो गया अम्बल में ही ब्रांच हो गया. इसको हम बोलते हैं अम्बल ऑफ अम्बल्स. क्या बोलते हैं अम्बल ऑफ अम्बल्स या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड दी कंपाउंड अम्बल. क्लियर. ओके
अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो ये सिंपल जो अंबर है इसमें हो गया एग्जाम्पल ब्राह्मी, ठीक है ओके। एंड कंपाउंड अंबर या जनरली इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, दैट जैसे कि आप रेडिश में देखते हो, सॉरी कैरेट में देखते हैं, या फिर दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं दैट इज़ द क्यूमिनम यानी कि क्यूमिन, ठीक है। फनल में हो गया, सौफ में इस तरह का अरेंजमेंट हो गया, इज ऑल्सो इन कोरिएंड्रम यानी कि कोरिएंडर, ठीक है। इन सब में क्या अरेंजमेंट होता है, अंबल टाइप का अरेंजमेंट होता है, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट दो और टाइप है जो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जो पेडेंकल होता है वो फ्लैट और ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, तो वो दोनों भी अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है जिसमें क्या होता है, जो पेडेंकल हो जाता है वो कैसा हो जाता है, इट बिकम फ्लैटर्ड या फ्लैट एंड ब्रॉड एंड एक्ट लाइक अ रिसेप्टेकल, ठीक है। तो इसमें हम दो तरह के देख रहे हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द पिटुलम, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं एंथोडियम, ओके। एंड द नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज व्हाट, कैपिटेट, ओके। चलिए देखते हैं कैपिटुलम में क्या होता है, इसमें सारा पेडेंकल जो है दैट इज़ द फ्लैट, और उसके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर ससाइल, ओके। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं फ्लोरेट्स, ओके। ये फ्लोरेट्स दो तरह के होते हैं, वन इज़ कॉल्ड द डिस्क फ्लोरेट्स एंड अनदर इज़ कॉल्ड द रे फ्लोरेट्स। रे फ्लोरेट्स जो होता है वो कहाँ होता है, पेरीफेरी की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है एंड बिग होता है, ओके। एंड डिस्क फ्लोरेट्स इट टूवर्ड्स द सेंटर एंड दे आर स्मॉल। देखते हैं कैसा होता है ये, इट्स लाइक दिस वन, ये देखिए इसमें ये पेडेंकल जो है फ्लैट हो गया, मतलब कि देखिए ये जो पेडेंकल है इसको ही हमने क्या कर दिया, फ्लैट कर दिया, तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं अब वो सब कहाँ पे, यहाँ पर मिलेंगे, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इसमें देखिए फ्लावर जो है सबसे बाहर के होते हैं, ये दे आर वेरी ब्रॉड एंड दे आर कॉल्ड रे फ्लोरेट्स, और फिर छोटे स्मॉल 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 होते चले जाते हैं, ठीक है, इट्स लाइक दिस। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट्स एंड दिस इज़ द रे फ्लोरेट्स, ओके। दिस इज़ द अरेंजमेंट एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज सनफ्लावर। अगर आप सनफ्लावर को देखेंगे तो बाहर की सारी जो फ्लावर की लीफ होती है, ठीक है, एक्चुअली वो फ्लावर ही है, वो पूरा ग्रुप ऑफ फ्लावर है, तो उसमें बाहर वाले जो है वो बहुत बिग होते हैं, और जैसे हम सेंटर की तरफ जाते हैं बहुत छोटे 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 सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहती है, तो दैट इज़ द अरेंजमेंट फाउंड इन सनफ्लावर। कैपिटेट जो हमारा लास्ट वन है, इसमें क्या होता है, जो पेडेंकल होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, कैसा बनाता है, पेडेंकल इट बिकम बल्ब लाइक, ओके, तो इस तरह से, ओके। और आई मेक इट हेयर ऐसे बल्ब लाइक, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस वन, मतलब यहाँ पे भी ऐसे पूरा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, आप समझ लो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे से हमने बहुत सारी फ्लावर्स को लगा दिया ऐसे ऐसे से, ठीक है। तो दिस इज द कैपिटेट एंड द एग्जाम्पल इज मीमोसा एंड एकेसिया, ओके। सो दिस इज़ दी रेसमोस। अगर हम ओवरऑल अभी दोबारा एक बार बात करें तो कौन कौन से हमने देखे, वी टॉक्ड अबाउट वेरियस रेसमोस, द फर्स्ट वन इज़ रेसिमी, ठीक है, इसमें ही ब्रांच हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिकल। नेक्स्ट इज़ व्हाट, स्पाइक, उसके बाद हमने बात करी स्पाइकलेट, ओके, फिर हमने बात करी कैटकेन, नेक्स्ट हमने बात करा स्पेडिक्स, ओके, इस सब में क्या था, पेडेंकल जो था वो लॉन्ग था, उसके बाद नेक्स्ट आया कॉरिम्ब एंड नेक्स्ट अम्बल, जिसमें दोनों में क्या था, पेडेंकल जो था स्मॉल था, ओके। नेक्स्ट फिर हमने बात करा दैट इज़ द कैपिटुलम एंड द लास्ट वन इज़ कैपिटेट,
ठीक है, जिसमें जो पेडेंकल था वो ब्रॉड था, ठीक है, फ्लैट एंड ब्रॉड इसमें लॉन्ग. सो दिस दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ रेसिमोस. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइमोस के बारे में. यहाँ तक बस इतना ही. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.